केंद्र सरकार के नवे खेती सुधार कानूनों के विरोध में किसान जथेबंदियों का अंदोलन 31वें दिन भी जारी है। किसान जथेबंदियों वालों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली दी सरहदां ते लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दरम्यान सरहदां ते सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा की अज यानी कि शनिवार को बैठक होने वाली है। इस विच सरकार वालों आई गलबात ते प्रस्ताव और होर मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। किसान जथेबंदियों के नुमाइंदों का राजधानी में आना शुरू हो गया है। ये लोग पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और कई होर सूबों तो आ रहे हैं। उधर संयुक्त किसान मोर्चा सरकार की नवी पेशकश के विचार लिए अज एक होर बैठक करेगा। इस विच गलबात मुड़ तो शुरू करने केंद्र के सदे से कोई रस्मी फैसला किया जाएगा। दस दिए कि सरकार की चिट्ठी से प्रधानमंत्री के भाषण से कुंडली सिंघू सरहद अज 2 बजे बैठक आयोजित की जाएगी। कुछ किसान जथेबंदियों ने संकेत दिया है कि वह सरकार के एक बार फिर तो गलबात शुरू कर सकते हैं ताकि इस गतिरोध का कुछ हल कढ़िया जा सके। किसान जथेबंदियों ने कहा है कि वह शनिवार को एक बैठक करेंगे। इस बैठक में केंद्र वालों गलबात की पेशकश का की जवाब दिया जाए उससे फैसला लिया जा सकता है। खेती और किसान कल्याण मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि अगले दौर की बैठक 2-3 दिनों में हो सकती है। किसानों का कहना है कि सरकार की चिट्ठियों में कोई तजवीज़ नहीं है और यह भी वजह है कि किसान जथेबंदियां नवे सिरों गलबात करने अपनी मंगों को समझाने का फैसला कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज़ एकम टीवी।